बालासोर कल गया था और भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी और भद्रक और शाम को कटक जाऊँ। ज़्यादा नहीं घूमा लेकिन जितना घूम पाया, जितना लोगों से मिल पाया मैं मिला हूँ। लेकिन पूरे उड़ीसा से अलग अलग इलाकों से लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, संपर्क में रहता हूँ। उड़ीसा भी इस बार बदलाव चाहता है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और वो बदलाव की जो लहर है वो उड़ीसा में भी दिख रही है। उड़ीसा के लोगों को राहुल गांधी पर भरोसा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पर भरोसा है और हमारे न्याय पत्र में जो गारंटियां दी गई हैं उन गारंटियों पर भी पूरा भरोसा उड़ीसा को है। क्यों भरोसा करेंगे इस गारंटी के ऊपर? क्योंकि उन्होंने देखा है, उड़ीसा के लोग अखबारें पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं कि कैसे तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की सरकारों ने आते ही अपनी गारंटियां पूरी करनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा है कि कैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना जब अशोक गहलोत जी लाए, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री करके दिखाया उन्होंने, तो लोगों को भरोसा है। और लोग नरेंद्र मोदी जी का घमंड भी तोड़ना चाहते हैं, जो अपने आप को अब भगवान जगन्नाथ से भी ऊपर मानने लग गए। ये तो कभी किसी ने देखा नहीं, पहले कभी सुना नहीं ऐसा। कल अमित शाह कहते हैं कि कोणार्क मंदिर को नरेंद्र मोदी की वजह से अब लोग जानते हैं। कोणार्क मंदिर के बारे में तो पूरा विश्व जानता है, आज से नहीं जानता, कई कई सैकड़ों सालों से जानते हैं। अचानक मोदी जी को लगता है कि सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है, तो ये गलत है। उस व्यक्ति का घमंड तोड़ने के लिए उड़ीसा तैयार बैठा है। 25 साल बीजेडी को मौका दिया, लेकिन उड़ीसा के लोग अब यहाँ भी बदलाव चाहते हैं। ये सब के बाद आप इस निर्वाचन के फलाफल को लेकर क्या आपको एहसास हो रहा है, क्या हो रहा है? पूरी उम्मीद है कि उड़ीसा से हमें अच्छी सीटें मिलने वाली हैं और उड़ीसा की वजह से इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने वाला है। और स्टेट में? स्टेट में तो मैंने आपको पहले ही कहा कि बदलाव निश्चित है। कांग्रेस को फिर से लोग अब मौका देना चाहते हैं कि 25 साल हो गए एक पार्टी को मौका दिया, अब बदलाव ज़रूरी है, ताकि जो 25 साल पहले विकास के काम हुए थे वो लोगों को अब याद आते हैं कि सिर्फ कांग्रेस है जो विकास के प्रति सच्ची निष्ठा रखती है। घूमा लेकिन जितना घूम पाया, जितना लोगों से मिल पाया मैं मिला हूँ। लेकिन पूरे उड़ीसा से अलग अलग इलाकों से लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, संपर्क में रहता हूँ। उड़ीसा भी इस बार बदलाव चाहता है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और वो बदलाव की जो लहर है वो उड़ीसा में भी दिख रही है। उड़ीसा के लोगों को राहुल गांधी पर भरोसा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पर भरोसा है और हमारे न्याय पत्र में जो गारंटियां दी गई हैं उन गारंटियों पर भी पूरा भरोसा उड़ीसा को है। क्यों भरोसा करेंगे इस गारंटी के ऊपर? क्योंकि उन्होंने देखा है, उड़ीसा के लोग अखबारें पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं कि कैसे तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की सरकारों ने आते ही अपनी गारंटियां पूरी करनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा है कि कैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना जब अशोक गहलोत जी लाए, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री करके दिखाया उन्होंने, तो लोगों को भरोसा है। और लोग नरेंद्र मोदी जी का घमंड भी तोड़ना चाहते हैं, जो अपने आप को अब भगवान जगन्नाथ से भी ऊपर मानने लग गए। ये तो कभी किसी ने देखा नहीं, पहले कभी सुना नहीं ऐसा। कल अमित शाह कहते हैं कि कोणार्क मंदिर को नरेंद्र मोदी की वजह से अब लोग जानते हैं। कोणार्क मंदिर के बारे में तो पूरा विश्व जानता है, आज से नहीं जानता, कई कई सैकड़ों सालों से जानते हैं। अचानक मोदी जी को लगता है कि सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है, तो ये गलत है। उस व्यक्ति का घमंड तोड़ने के लिए उड़ीसा तैयार बैठा है। 25 साल बीजेडी को मौका दिया, लेकिन उड़ीसा के लोग अब यहाँ भी बदलाव चाहते हैं। ब्रिलियंट रेज विशुद्ध नड़िया तेल, घन लंबा और पड़ा केसर मूल मंत्र।